दोस्तों प्रोग्राम जस कैमरे की नज़र लैके हाजिर हो थोड़ी खिदमत दे विच। जस कैमरे की नज़र प्रोग्राम बकायदा तौर दे उत्ते अपनी कम्यूनिटी नू स्थानक इनफॉर्मेशन ते गतियां विधियां देण गतिविधियां संबंधी जिहड़ा है वह जानकारी देण दा एक विशेष उपराला मन्या गया। इस प्रोग्राम राही असीं बकायदा तौर पर अमेरिका कनेडा दे विच जिहड़ा है वो खास तौर दे उत्ते जो सरगर्मियां जिहड़ियां असीं करदे हां उन्होंने एक चंगा हुलारा देने का जिहड़ा है वह उद्यम है। अज असी गल शुरू करांगे सिख अमेरिकन चैंबर ऑफ कामर्स तो। सिख अमेरिकन चैंबर ऑफ कामर्स एक इहो जी संस्था है जिसने एक नवे दिस हद्दे जिहड़े ने वह शुरू किए ने। आम संस्थावां हुंदियां ने मिल बैठ के अपने मसले विचारन तक, पर यह संस्था ने एक नवा कुछ कर विखाया। नवे जॉब फेयर वगैरह आरंभ जिहड़े ने पिछले समय दे विच दो दो वार तीन तीन वार साल दे विच कीते और उस दे विच नवा टेलेंट हंट करके और मैं समझांगा कि एक नवीआं कंपनियां दे लोकां दा एक मेला लगा के उत्थे अपने नौजवानों कम्यूनिटी दियां नूं सद के बच्चे बच्चियों नूं सद के और जिथे कि वो अपनियां चंगीआं जॉब्स जिहड़ियां ने वो अप्लाई कर सकन, दिशा निर्देश ते सेध जिहड़ी आ उह दे सकन। इस संस्था का हर साल जिहड़ा है वह एनुअल गाला डिनर जिहड़ा है वह हुंदा जिस दे विच लगभग 400 तो 500 जिहड़े ने कारोबारी लोग पहुँचते हैं और इत्थे बकायदा तौर दे उत्ते बच्चियां नूं इंट्रोड्यूस कराउण वास्ते उन्हां शख्सियतां नूं बुलाया जांदा जिहड़ियां शख्सियतां अपने आप दे विच ही जिंदगी दे विच मील पत्थर साबित हुंदियां ने कम्यूनिटी दे विच। और इसे साल भी वख-वख खेत्रां दे नाल संबंधित असीं तुहानूं विखावांगे किहड़ियां शख्सियतां नूं उह भी साडी कम्यूनिटी नाल संबंधित जिन्हां ने एडे एडे वड्डे मारके मारे ने पर असीं इह जाणदे भी नहीं। पर इस समागम दे विच खास तौर दे उत्ते सुखविंदर सिंह कैले, जसवीर सिंह चंदी, भाई ओंकार सिंह तो अलावा होर सारे सहयोगियों के सहयोग नाल हर साल ये वड्डा उद्यम करवाया जांदा। आओ लै चलदे हां इस विलक्खण ढंग दे इस प्रोग्राम दीआं खास झलकां वल। यह गल पक्की धारणा के तौर के उ अज समाज दे विच मन्नी जांदी है कि पंजाबी जिथे भी गए उन्होंने अपना एक वक्रा समाज सिरजिया, गुरु घरां तो लैके सभ्याचारक वनगियां तक दे रंग विच दूजियां कम्यूनिटियां नूं भी रंगिया। और अमरीका की धरती के उत्ते खास तौर के उत्ते बहुत थोड़ा चिर होया इन्हां दा प्रवास होए नूं, पर फिर भी अज इत्थे दी राजनीति दे विच इत्थे दे समाजिक दिसहद्यां दे विच पंजाबियां दा एक बड़ा विलक्खण योगदान मन्निया जा रहा। और उस योगदान के पक्षों सिख अमेरिकन चैंबर ऑफ कामर्स नाँ की ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी आ उह अमरीका की धरती दे होंद विच आई और इसने न्यू जर्सी तो शुरू होकर पूरी अमरीका दे विच अपने पैर पसारे, जिसका मुख मकसद जिहड़ा है वह अपनी कम्यूनिटी नाल जुड़े बच्चों नूं सही प्लेटफार्म, सही दिशा निर्देश और खास तौर दे उते मैं समझांगा जॉब फेयर और मैंटरिंग करन दा जिहड़ा एक विलक्खण तरीका अपनाया और साल भर दीआं प्राप्तियां नूं अपनी कम्यूनिटी दे रूबरू करन वास्ते हमेशा एक एनुअल गाला करवाया जांदा। और ये चौथा एनुअल गाला अज एक विलक्खण रंग विच रंगिया होया जिथे समाज ही नहीं, मैं ये समझांगा कि वख-वख खेत्रां दे विच विलक्खण प्राप्तियां करन वालियां और नवे दिसहद्यां नूं छोहण वालियां शख्सियतां जिहड़ियां ने उन्हां ने शमूलियत इत्थे अज कीती है और जिन्हां दा साडे चित चेतियां दे विच वी शायद साडे बच्चियां नूं वी ना पता होवे कि इह किहड़ियां किहड़ियां शख्सियतां ने और इन्हां ने की काम कीते ने। मेरा ख्याल है कि इन्हां सारियां शख्सियतां खास तौर दे उत्ते कामयाब पंजाबीयत विदेशां दे विच समुची दे विच मेरा सिर झुकदा है और मैं सलाम करदा। सो इस प्रोग्राम नूं असी इसे तरह तुहाडे रूबरू करांगे। वेलकम टू द 4th एनुअल सिख अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स गाला सेलिब्रेशन। व्हाट एन अमेजिंग इंपैक्ट एसएससीसी इज डूइंग, व्हाट अ प्रोग्रेसिव थिंकिंग ऑफ सनी गाला टू क्रिएट अ फोरम लाइक दिस टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग सिख कम्युनिटी। An amazing impact. We just saw the video. Truly amazing. Will you all join me in giving a big round of applause to Sunny and the leadership team standing over here? As I look at this audience and I listen, I say, wow, this
amazing like you in this room. I'm sure as you have come to New Jersey, the average IQ of New Jersey has gone up. I wonder what happened to the average IQ of the places you came from. You do the calculation. You see, you're so smart that you increase the average. That's what entrepreneurs are about. And that, with that comes the responsibility to help others that they are not as fortunate. हाँ दोस्तों, जिमें तुहानू पता है कि अज सिख अमेरिकन चैंबर ऑफ कामर्स का फोर्थ एनुअल गाला जिहड़ा है वह न्यू जर्सी दे विच रॉयल अल्बर्ट पैलेस दे विच करवाया जा रहा, जिथे वख-वख खेत्रां दे विच स्थापती ग्रहण कर चुकी हैं जिहड़ियां शख्सियतां अज इत्थे पहुंचियां ने, उत्थे उहनां दे विच खास तौर दे उत्ते दुनिया दे विच समाज सेवा दे विच प्रसिद्धि प्राप्त शख्सियत सरदार SPS ओबराय जिहड़े ने उह भी पहुंचे ने। ओबराय साहब, तुहाडा स्वागत है। अज अमेरिका दे विच इक एड्डी वड्डी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी बिजनेसमैन लोकां दी, और खास तौर दे उत्ते नवें बच्चों की रिक्रूटिंग करने वास्ते उन्होंने गाइडेंस देनी, और इस अज के एनुअल फंक्शन के उत्ते पंजाबियों की इस प्राप्ति बारे की कहोगे? सिख अमेरिकन चैंबर ऑफ कमर्स अज मैं मौका मिलया, बड़ा अच्छा फंक्शन है और बड़े अच्छे उपराले कर रहे हैं यह कि जेडे कि अच्छे अच्छे बिजनेसमैन इकट्ठा करना, यंग जनरेशन जिस तरह की फंडिंग करनी ज उन्होंने इंप्लॉयमेंट देनी, और इस तरह के बड़े अच्छे उपराले ने। बड़ा अच्छा लग्या कि सिखा ने जिते हर पासे मल्ला मारिया ने, उत्थे अज देख के बड़ी खुशी हो रही है कि इस फील्ड में भी इन्होंने जी सा ट्रस्ट जो बनी है, अपनी ट्रस्ट जो बनया है पूरा, यह जो सोसायटी बनी हुई है, सो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। मैं उन्होंने जो अज इन्हों का चौथा गाला है उसे बहुत बहुत मुबारकबाद दिना। बहुत बहुत शुक्रिया ओबराय साहब। लोग कहते हैं कि पंजाब जां हिंदुस्तान दे विच कोई भी काम जिहड़ा वह जूं दी चाले चलता है, पर एक शख्सियत है जिन्हें इस चीज़ नूं बिल्कुल झूठ कर दिखाया, वह सरदार हरपाल सिंह जिहड़े कि मोहाली चंडीगढ़ तो आए ने, जिन्हां ने रिकॉर्ड कायम किया कि एक 10 मंजिली इमारत जिहड़ी है उसनों 48 घंटिया दे विच बनाया, अपनी कौम के अजिहे सरनामिया नूं भी अज सिख अमेरिकन चैंबर ऑफ कामर्स के इस प्लेटफॉर्म तो सारे दर्शकों के रूबरू किया जा रहा। सो हरपाल जी, की कहना चाहोगे? बहुत वधिया प्लेटफॉर्म है, मैं लगता है भी विदेश विच भी आके एंटरप्रेन्योर जिन्हां ने एक बहुत वधिया काम किए ने, जिहड़ी नवीं पनीरी आ रही है उन्हां नूं मेंटरिंग करने लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल होना चाहिए सीगा। लाइक ज्यूज दे विच हर कौम दे विच ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। सिख जिहड़े है उन्होंने अज तक जो किया कल्ले कल्ले किया, पर जब कलैक्टिवली मेंटरिंग दे विच जब काम करनगे तो कोई किसी भी मुकाम ते पहुँच सकते हैं। ये बहुत वधिया उपराला किया है इन्होंने, और बहुत वधिया तरीके ने इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, सो मैनू इत्थे आके बहुत वधिया लग रहा है। सिख कमर्स चैंबर वालों ये पिछले 4 साल तो अलीकिया जा रहा, तो मैं ये पूरी कौम को बधाई दिना, जिदे पर खास करके साढ़े जोड़े बच्चे इतों के पढ़े लिखे ने उन्हां वास्ते बड़ी अपरचुनिटी आ, उन्हां वास्ते अपनियां जॉब्स अपलाई करन दे वास्ते जिथे अपरचुनिटियां ने उत्थे मैं समझदा कि इस चैंबर ऑफ कमर्स जिहड़े इत्थे इस देश दे विच जां इस कौंटियां दे विच पहलां भी बने हुए सन, पर ये पहला सिख अमेरिकन सिख चैंबरस बनिया जिहड़ा कि सिखां दी इक आइडेंटिटी नूं भी क्लीयर कर रहा, दूजा साढ़े जिहड़े आने वाले बच्चे ने उन्हां दे लई ये बहुत एक बड़ा वड्डा फायदेमंद होएगा। मैं भी समझदा कि ये कौम की एक बहुत वड्डी चढ़दी। सारे बंद मैंबरां नूं मैं बहुत बहुत बधाई दिना कि बहुत ही जरूरी सी, क्योंकि अमेरिका वर्गी कंट्री च आ के साढ़े बच्चों नूं सही सीध देण दी ये जिहड़ी बहुत वड्डा ये प्लेटफॉर्म आ, क्योंकि जदों ये सुखविंदर होणा ने शुरू किया तो ये बेचारे थोड़े बंदे चले सीगे, आ ज्यों ज्यों अवेयरनैस आ रही आ होर भी लोग जुड़ रहे ने संस्था के नाल,
क्योंकि इस करके मैं प्रबंधकों को बहुत बहुत बधाई दिना क्योंकि बहुत ही वधिया उपराला आने वाली पीढ़ी में यह जिहड़ी नवा दिशा निर्देश दे रहे हैं उन्होंने राह दिखा रहे हैं। तो असी कोशिश कर रहे हैं अपने जिहड़ी फ्यूचर जनरेशन आ उन्हां वास्ते चंगे उपराले करन दी उन्हां नूं इक प्लेटफॉर्म बनाउण दी जिहड़ा साडे सीनियर लीडरशिप ने बनाया होया और मैं बड़ा इस गल का प्राउड आ बई ये संस्था काफ़ी साडे जिहड़े नवे नौजवान प्रोफेसनल आ रहे हैं उन्हां लई बड़ी लाहेवंद सिद्ध हो रही। हाँ जी असीं अज इत्थे फोर्थ गैला दे उत्ते इकट्ठे होए हाँ मैं ऑन द बिहाफ ऑफ जिहड़ी सिख चैंबर की बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स आ मैं सारिआं दा धन्नवाद करना जिन्हां ने इत्थे पहुँच के इन्ने डिफिकल्ट वैदर दे विच वी साडा हौसला अफजाई कीता और आई होप के असीं जिस पासे नूं लै के जा रहे हैं इस प्रोग्राम नूं इस ईवेंट नूं ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੀਡਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਐਨੂਅਲ ਗੈਲਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਨੋਅ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੀਪਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਪੌਂਸਰਸ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ SACC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ SACC ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਏਂਜਲ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ SACC ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਗੈਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਿਤ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ। ਵਿਲੱਖਣ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਾਂ ਖਲੇਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਐਨੂਅਲ ਗਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਔਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂਬਰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਐਨੂਅਲ ਗਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿਆੜ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ।